हेलो व्यूअर्स, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है सूखे मछली और बथुआ की रेसिपी है। बहुत ही झटपट बनने वाला और टेस्टी रेसिपी है और चटपटा भी है। तो चले शुरू करती हूँ ये रेसिपी। तो हमने यहाँ पर बथुआ साग लिया 250 ग्राम, उसके साथ हमने ले लिया 25 ग्राम धनिया के पत्ते। तो इन साग को हम अच्छी तरह से धोकर काट कर ले लिया, और हमने ले लिया यहाँ पर सूखे मछली। मछली को भी हम अच्छी तरह से धोकर काट कर ले लिया, और उसके साथ हमने ले लिया हरा मिर्च, लहसुन की कलियाँ और प्याज। हमने एक लहसुन की कलियाँ निकाल लिया और एक बड़ा प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर ले लिया। और गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और उसी में तेल भी डाल दिया। तेल हमारी गर्म हो गई, अब हम उसमें डाल देंगे ये सूखे मछली। तो सूखे मछली हम इसी तरह डाल रहा हूँ। डालने के बाद हम चम्मच से इसे हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे, तब तक हम इसी तरह इसे भूनते रहेंगे। बीच में एक बार हम उसमें डाल देंगे ये जो कटी हुई प्याज, हरा मिर्च और लहसुन की कलियाँ है, ये हम डाल देंगे बीच में। तो आधा जब भुने होंगे ये मछली, तभी हम इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह हम भूनते रहेंगे। मछली हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनना होगा, एकदम पापड़ जैसा होना चाहिए मछली को। तो इसी तरह हम भूनते रहेंगे। तो हमने डाल दिया प्याज, हरा मिर्च और लहसुन, इन सब को हम इन मछली के साथ भूनेंगे। तो इसी तरह हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। प्याज, लहसुन और हरा मिर्च, इसका भी कलर चेंज हो गया, ये देखिए। इसे भूनते भूनते तो लहसुन, हरा मिर्च और प्याज और मछली सभी के कलर ये गोल्डन ब्राउन हो गई। तो इसी तरह और 2 मिनट हम भूनते रहेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखा, हाई नहीं रखा। हाई रखेंगे तो जलेंगे, तो इसीलिए हमने मीडियम कर दिया। तो इसी तरह हम भूनेंगे। तो मछली लगभग भुन गई। अब 2-4 बार इसी तरह हम चम्मच से चलाएंगे, फिर निकाल लेंगे प्लेट में। अच्छी तरह से मछली भुन गई, उसके साथ लहसुन की कलियाँ, प्याज और हरा मिर्च भी भुन गई। तो इन सब का हम इन प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह। और उसमें हम डाल दिया लहसुन की कलियाँ, लंबे लंबे टुकड़ों में हमने काट लिया था। 4-5 लहसुन की कलियाँ हम काट लिया, वही लहसुन की कलियाँ हम उसमें डाल दिया। और इन लहसुन की कलियाँ को हम 10 सेकंड के करीब भून लिया, और उसमें डाल देंगे ये साग। पहले हम डाल देंगे धनिया के पत्ते, और उसके बाद हम डाल देंगे बथुआ। तो पहले धनिया के पत्ते हम डाल दिया और बथुआ भी डाल देंगे। इसी तरह सारे साग हम यहाँ पर डाल देंगे, और उसके साथ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक भी डाल दिया, और चम्मच से हम इसे पलट पलट कर मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसी तरह हम चम्मच से पलटेंगे और मिला लेंगे। तो हमने साग को इसी तरह से मिला लिया चम्मच के मदद से, तो अच्छी तरह से मिल गई। अब इन साग को हम ढक देंगे। ढक कर हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। साग पानी भी छोड़ देंगे, उसी पानी में साग अच्छी तरह से कुक होंगे। तो हमने ढक दिया और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखा। और यहाँ पर हमने जो सूखी मछली ले लिया, इन मछली को हम ग्राइंडिंग जार में डाल रहा हूँ। इसी तरह हमने चटनी जार ले लिया, उस चटनी जार में हम इन मछली को डाल दिया। मछली को देखिए किस तरह से हमने क्रिस्पी कर लिया, एकदम पपर बनाया। इसी तरह होना चाहिए, नहीं तो स्वाद अच्छे नहीं आएंगे। तो हमने इसी तरह भून लिया। लहसुन की कलियाँ भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई। तो लहसुन की कलियाँ भी अच्छी तरह से भुन गई। तो इन सब को हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल दिया। तो इसे हम दरदरा पेस्ट कर लेंगे। हम फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, दरदरा पेस्ट करेंगे। तो इसकी स्वाद दुगना होंगे, मुंह में आएंगे खाने के वक्त, बहुत ही अच्छी लगेंगे। तो इसीलिए हम दरदरा करके रखा, देखिए। तो इसे हम एक साइड में रखेंगे। आप चाहे तो इसका फाइन पेस्ट भी कर सकती हो, आप आपके स्वाद के अनुसार रखिए। तो हम अब एक साइड में रख लेती हूँ।
और 5 मिनट बाद देखिए साग की हालत। साग को पहले हम एक बार चम्मच से इसी तरह हिला दिया था, साग अभी तक पके नहीं पूरे, साग में पानी है, पानी को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए तब भी साग बनेंगे। तो थोड़ा पानी है अभी तक, साग होने में थोड़ा बाकी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये मछली, जो मछली को हम दरदरा पेस्ट कर लिया था वही मछली हम इसमें डाल देंगे, सारे मछली हम डाल देंगे इसी तरह। तो मछली को हम डाल दिया, और आपका मसाला पसंद है तो इस टाइम ज़रूर मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालिए साग में, साग में मसाला डालने से साग कड़वा लगती है, तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए हम साग में मसाला नहीं डालेंगे। तो इसी तरह हम भूनते रहेंगे 4-5 मिनट, फ्लेम हमने मीडियम रखा और इसी तरह हम भूनते रहा हूँ। साग हमारे लगभग हो गई, तो देखिए साग देखने में कितना लाजवाब है और साग बहुत ही चटपटा बन के तैयार हुए है हमारी साग। तो सर्दियों के सब्जी है ये बतुआ, तो सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले तो ज़रूर इसे आप एक बार तैयार कीजिए और इसका स्वाद लीजिए। और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो ये देखने में भी लाजवाब है, खाने में भी तो और भी लाजवाब है, देखिए कितना लाजवाब लग रही है। तो ज़रूर इसे एक बार आप तैयार कीजिए और इसका स्वाद लीजिए। तो हम दूसरे रेसिपी तैयार कर लेती हूँ। हमने यहाँ पर ले लिया 1 कटोरी पत्ता गोभी और 1 कटोरी लेंगे, तो टोटल हम 2 कटोरी पत्ता गोभी ले लिया यहाँ पर। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 5 हमने हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया था, वही हम हरी मिर्च इसमें डाल दिया, और इसमें डाल रहा हूँ 1 प्याज हमने पतले लंबे कर कर काट लिया था, वही प्याज भी हम इसमें डाल दिया। और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से नमक, यानी स्वाद अनुसार नमक आप जितने खाते हैं उतने डाल दीजिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम इसमें डाल दिया, और 1 चम्मच धनिया और जीरा की पाउडर हम इसमें डाल दिया, और डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। ये बहुत ही ज़रूरी है अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें, तो घर में रहने वाला बेसिक चीज़ों से हम ये बना रही हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ हम नहीं डालेंगे। तो इसी तरह हम हाथ से मसल मसल कर इसे हम गूंद लेंगे इसी तरह। तो इसमें हम डाल देंगे और बेसन, तो हर घर में अवेलेबल रहती है ये चीज़ों, तो हमने बेसन डाल दिया थोड़ा, हमने 1/2 कटोरी बेसन लिया, 2 कटोरी हमने बंद गोभी ले लिया, तो इसीलिए 1/2 कटोरी हमने बेसन ले लिया। हमने पानी नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि नमक डाला है तो पानी छोड़ देंगे, तो उसी में ही ये तैयार होंगे। तो इसी तरह हम धीरे धीरे बेसन डालते रहेंगे और इसी तरह हम इसे मचल मचल कर गूंदते रहेंगे। तो इसे हम देख लेंगे ये इसका बाइंड कितनी अच्छी आती है, तो इसका बाइंड उतनी अच्छी नहीं आती, तो फिर हम उसमें थोड़ा बाकी है वो डाल देंगे। तो हमने डाल दिया सभी बेसन हम इसमें डाल दिया, और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसे हम मिला लिया और इस एक साइड में भी हम रखेंगे 5 मिनट के लिए, तब फिर नरम होंगे। तो देखिए इसका बाइंड अच्छी आती है, और हो गई हमारी ये परफेक्ट। और इसे 5 मिनट के लिए एक साइड में रखेंगे, थोड़ा नरम भी होंगे। तो 5 मिनट बाद ये नरम भी हो गई और हमारी तेल भी गर्म हो गई, हमने गैस पर तेल रखा था, हमारा तेल गर्म हो गई देखिए। तो इसे हम इसी तरह सारे डाल देंगे ये बंद गोभी तेल में, तो सारे डाल दिया हम, 2-3 मिनट इसे हिलाएंगे भी नहीं, नहीं तो टूटेंगे। तो इसमें हम इसी तरह रहने देती हूँ तेल में, तो और 2-3 मिनट बाद हम चम्मच के मदद से इसी तरह हल्के हाथों से हम पलट देंगे। तो हमने इसी तरह पलट दे रहा हूँ धीरे धीरे, इसी तरह हम सारे पलट दिया, और इसे हम दूसरी साइड में भी
दो तीन मिनट के लिए रहने दिया। दो तीन मिनट बाद फिर से हम इसे पलट रहा हूँ। इसी तरह हम पलट पलट कर इसे 7-8 मिनट तक भूनते रहेंगे। तो 7-8 मिनट भूनने तक ये क्रिस्पी भी होंगे और इसका कलर भी चेंज होंगे। तो इसका फ्लेम हमने मीडियम रखा, हाई नहीं रखा, तो मीडियम फ्लेम में इसी तरह हम पलट पलट कर इसे भून रहा हूँ। तो देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर आ गए। तो सारे हमने इसी तरह पलट दिया और फिर से चम्मच के मदद से इसी तरह हम पलट रहा हूँ। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो बन गया ना अति सहज सरल तरीका से हमारा बंद गोभी के पकौड़ा। गरम गरम चाय के साथ इसे सर्व कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।